अस्सलाम वालेकुम क्लास अलेवन एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर टेन में आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर टेन में है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दर्ड फॉलोइंग वर्ड्स आपसे कह कहने कितनी अरेंजमेंट्स फॉर्मड होंगी अगर आप यूज़ करें तमाम लेटर्स ठीक है आपके पास इन वर्ड्स के स्टैटिस्टिक्स है प्लेन है ऑब्जेक्ट है फैसटेंस है मैथमेटिक्स है एंड असिस्टेंस ठीक है आपने इन वर्ड्स की यूज करनी है कि कितनी अरेंजमेंट्स फॉर्म हो सकती हैं अगर आप इनके को यूज करें ठीक है स्टार्ट करते हैं आपके पास नाउ सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है स्टैटिस्टिक तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता दूंगी हमने करना क्या होगा कि हमारे पास जब भी ये वर्ड्स दिए जाएंगे ना एम सी क्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन कि बताइए भाई एक वर्ड है स्टार्टिस्टिक या ज्योमेट्री या कोई भी वर्ड है इस तरह का ठीक है मैथमेटिक्स ही है केमिस्ट्री है कोई भी वर्ड है ठीक है सिंगल एक वर्ड है तो आप बताइए इससे कितनी अरेंजमेंट फॉर्म हो सकती हैं इसके जो है तमाम लेटर्स को यूज़ करते हुए तो आपने क्या करना होगा आपने सबसे पहले टो, टोटल लेटर्स काउंट करने होंगे ठीक है कितने लेटर्स आपके पास आपके इस वर्ड में मौजूद हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब लेटर्स कितने हैं आपके पास यहाँ पर टेन लेटर्स हैं। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे टोटल लेटर्स ठीक है टोटल लेटर्स हैं आपके पास इसमें टेन अब टोटल लेटर लेटर्स के बाद आप चेक करेंगे कि रिपीटेड लेटर्स कौन कौन से हैं तो रिपीटेड लेटर्स हैं आपके पास यहाँ पर एस रिपीटेड है ठीक है रिपीटेड लेटर्स आर एस एस कि, कितने टाइम्स है ये आपने चेक करना है वन टाइम टू टाइम एंड थ्री टाइम्स ठीक है थ्री टाइम्स है एस देन फिर आपको नज़र आ रहा है कि टी भी रिपीटेड है टी वन टू थ्री टाइम्स है टी भी इसके अलावा और कोई लेटर आपके पास रिपीटेड यहाँ पर आई है आई भी टू टाइम्स रिपीट हो रहा है रिपीटेड लेटर्स लिख लेना आपने रिपीटेड लेटर्स आर एस टी एंड आई एस इज रिपीटेड थ्री टाइम्स एंड टी इज रिपीटेड थ्री टाइम्स एंड आई इज रिपीटेड टू टाइम्स ठीक है ये आपने मेंशन करना है अब आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बन सकती हैं तो यहाँ हम टोटल अरेंजमेंट्स मालूम करें तो टोटल अरेंजमेंट मालूम करने के लिए आपने ये सब करने के बाद सिंपल टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू जितना भी टोटल लेटर्स है वो आपने ऊपर लिख के फैक्टोरियल की साइन लगानी है और जितने रिपीटेड लेटर्स हैं वो आपने नीचे लिख के उनके साथ फैक्टोरियल की साइन लगा देनी है सिंपल ठीक है अब टोटल आप टेन का फैक्टोरियल फाइंड आउट करें मैंने आपको फैक्टोरियल की साइन कैलकुलेटर में बताई है कि आप क्या कर सकते हैं आपने जस्ट नंबर लिखना है एंड देन शिफ्ट प्रेस करके ये आपके पास एक्स इनवर्स के ऊपर फैक्टोरियल की साइन लगी हुई है ठीक है ये देखिए ठीक है अब आपको नजर आ रही है ये रही फैक्टोरियल की साइन ठीक है आपने शिफ्ट प्रेस करके ये साइन प्रेस करनी है ये फैक्टोरियल आपको बता देगा टेन का ठीक है यहाँ रख लेते हैं थ्री सिक्स टू एट एट ज़ीरो ज़ीरो अब आप फाइंड आउट करें थ्री फैक्टोरियल या आ गया सिक्स थ्री फैक्टोरियल अगेन सिक्स आ जाएगा टू फैक्टोरियल टू ही रहेगा ठीक है अभी थ्री सिक्स टू एट एट ज़ीरो डिवाइडेड बाय Six six ज़ा thirty six thirty six two ज़ा seventy two ठीक है ये हो गया अब थ्री सिक्स टू एट एट जीरो जीरो डिवाइडेड बाय सेवेंटी टू आपके पास आ जाएंगी टोटल अरेंजमेंट्स आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगे फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड तो यहां पर आप लिखेंगे टोटल अरेंजमेंट्स दस टोटल अरेंजमेंट्स कैन बी फाउंड यूजिंग लेटर स्टैटिस्टिक्स फाइव थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड ये था आपके पास इसका पार्ट वन इसी तरह से आपने पार्ट टू करना है बात आपको समझ आ गई कि किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है सेकेंड लेटर है आपके पास प्लेन तो वहीं से स्टार्ट लेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल लेटर्स तो प्लेन वर्ड्स में टोटल लेटर्स हैं आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फाइव लेटर्स हैं और कोई भी लेटर देखिए रिपीट नहीं हो रहा पी एक दफा एल बी ए बी एन बी और ई e, बी तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिपीटेड लेटर्स आर नॉट प्रेजेंट देन टोटल अरेंजमेंट आपके पास क्या हो जाएंगी जो भी आपके पास लेटर्स हैं वो जस्ट फैक्टोरियल क्योंकि डिवाइड किसी से भी नहीं होगा क्योंकि रिपीटेड लेटर्स नहीं है ठीक है फाइव का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे फाइव लिखेंगे देन फैक्टोरियल प्रेस करेंगे वन ट्वेंटी आपके पास आ गया तो टोटल अरेंजमेंट जो आपके पास आ जाएंगी One twenty. Yeah, looking at thus, the total arrangement can be formed using letter plane. टी ठीक है वन ट्वेंटी वर्ड आप इस प्लेन वर्ड से बना सकते हैं इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स करके ठीक है ये था इसका पार्ट टू पार्ट थ्री है आपके पास इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी आपके पास कोई भी रिपीटेड लेटर मौजूद नहीं है ये भी सिंपली आपके पास इजीली हो जाएगा तो टोटल लेटर्स हैं आपके पास ऑब्जेक्ट वर्ड में हम काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है सिक्स लेटर्स हैं और रिपीटेड लेटर्स आर नॉट प्रेजेंट इस बात को आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है ठीक है टोटल अरेंजमेंट आपके पास आ जाएंगी सिक्स फैक्टोरियल आपने फैक्टोरियल प्राइस करना है आपके पास सेवन ट्वेंटी आ गया तो टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू सेवन ट्वेंटी ठीक है था पार्ट थ्री आपके पास तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे अच्छा आंसर को तरीके से लिखना इस तरह के आंसर क्वेश्चन तो आप खैर एग्जाम्स में इस तरह आएंगे नहीं बट आपको आंसर को बहुत अच्छे से लिखना प्रेजेंट करना आना चाहिए ठीक है थर्स द टोटल अरेंजमेंट्स विच कैन बी फॉर्म्ड कैन बी फोड using letter object is 720 part 4 है आपके पास fast एंस अब इसमें हम देखें तो टोटल लेटर्स आपके पास हैं काउंट करें अगर हम तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब एस जो है वो मैं नजर आ रहा है रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड लेटर्स आर रिपीटेड लेटर एस एस और वो कितने टाइम्स हो रहा है टू टाइम्स हो रहा है ठीक है बाकी कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो यहां पर आपके पास हो जाएगा टोटल अरेंजमेंट सेवन का फैक्टोरियल और जो रिपीटेड लेटर है उससे डिवाइड कर देंगे उसके फैक्टोरियल से <coughs> तो सेवन फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे टू से डिवाइड कर लेंगे टू फैक्टोरियल टू ही होता है तो टू फाइव टू जीरो आपके पास यहाँ पर बनेंगी अरेंजमेंट ठीक है अब ऐसा क्यों होता है कि रिपीटेड लेटर आपके पास <coughs> कम अरेंजमेंट्स बना रहा है उसकी वजह क्या है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि देखें फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास एस है ना अगर फर्स्ट पोजीशन पर हम एस रखते हैं ना तो हम दोनों में से कोई भी एक एस रख लेंगे फर्स्ट पोजीशन पे तो वो जगह जो है ना एक ही एस के लिए है यानी आप दोनों में से कोई सा भी एस रखें मगर वो एक आपके पास समझ लें एक स्पेस कम हो रही है ठीक है एस को आप दो टाइम शुरू में एस को यूज करें फर्स्ट पोजिशन पर तो आपके पास चाहे इस एस को यूज़ करें चाहे इस एस को यूज करें एस तो ऐसे ही है ना तो इस वजह से आपके पास जो है ना अरेंजमेंट्स कम हो जाती हैं जब आपके पास कोई रिपीटेड लेटर आता है अगर यही अनरिपीटेड लेटर्स के लिए होते हैं नॉन रिपीटिंग लेटर्स के लिए होता है तो ये फाइव थाउजेंड फोर्टी आती है आपके पास सिर्फ एक ये छोटी सी वजह है जिसकी वजह से आपके पास कम हो रही होती हैं अरेंजमेंट्स रिपीटेड लेटर्स में ठीक है पार्ट फोर हो गया पार्ट फाइव आपके पास मैथमेटिक्स अच्छा मैंने इसका लिखा नहीं है मैं लिख देती हूँ थर्स The total arrangement can be formed using letter past tense is two thousand five hundred and twenty. वर्ड है हमारे पास मैथमेटिक्स एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस नाउ अब मैथमेटिक्स एक काफ़ी बड़ा वर्ड है देखते हैं भाई इसमें कितने टोटल लेटर्स हैं और फिर कितने रिपीटेड लेटर्स हैं तो पहले तो टोटल लेटर्स देखेंगे हम वो आपके पास है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ठीक है अब रिपीटेड लेटर्स देखते हैं रिपीटेड लेटर्स आर एम रिपीट हो रहा है देखें वन टू टाइम्स ए रिपीट हो रहा है देखें टू टाइम्स टी रिपीट हो रहा है टू टाइम्स एच नहीं है ई e रिपीट नहीं हो रहा बाकी कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा अब आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स जो हैं वो हो जाएंगी अलेवन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल रिपीटेड लेटर्स के फैक्टोरियल से आपने इसे डिवाइड कर देना होता है अलेवन का फैक्टोरियल आपके पास आ गया है थ्री नाइन नाइन वन सिक्स एट डबल जीरो टू फैक्टोरियल टू ही होता है टू फैक्टोरियल टू ही होता है टू फैक्टोरियल टू ही होता है तो थ्री नाइन नाइन वन सिक्स एट डबल ज़रो डिवाइडेड बाई टू टू ज़ा फोर फोर टू जट आपके पास आ गया फोर नाइन एट नाइन सिक्स डबल ज़ीरो ठीक है ये आपके पास इतनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं इस एक बॉर्ड मैथमेटिक्स से ठीक है तो यहाँ हम लिखेंगे दर्ज द टोटल अरेंजमेंट Can be formed using letter Mathematics is four million nine hundred eighty nine thousand. ठीक है इतनी आपके पास अरेंजमेंट्स बन सकती हैं ये था इसका पार्ट फाइव पार्ट सिक्स में आपके पास असिस्टेंट्स वर्ड है ये आप आई होप कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इजी सा है अब तो मैंने आपको सिखा दिया टोटल अरेंजमेंट्स आपने देखनी है देन फिर आपने रिपीटेड लेटर्स देखने जो रिपीटेड लेटर देखे एस थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है ए टू टाइम्स रिपीट हो रहा है ठीक है इस तरह से आपने रिपीटेड लेटर्स से डिवाइड कर देना और सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है ये था आपके पास एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर टेन आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर कमेंट किया कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अल्लाह